यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू प्लेइंग अनदर फ्रेश एंड न्यू वीडियो GTA San Andreas। तो गाइस रिसेंटली ही हमने अपनी पिछली वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर देखा था जो एक क्रेक डीलर गैंग थी GTA San Andreas के अंदर। अगर मैं बात करूं एक क्रेक डीलर गैंग थी, उनके कुछ बंदों को हमने खत्म करा था। खत्म करने की क्या वजह थी, जो वो ड्रग्स स्मगलिंग कर रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुँचा रहे थे। एक इसके अंदर एक सीरीज चल रही है कि मतलब एक मिशन दिया जा रहा है हमें कि जो लोगों को तबाही से हमें बचाना है। और तबाही से हमने बचाने के लिए क्या करा, जो स्मगलर जो थे, ड्रग्स डीलर जो थे, यानी क्रेक डीलर एक गैंग थी, उसको आपने पिछली वीडियो के अंदर देख लिया होगा। जो हमारा पिछले से रिसेंटली हमारा पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर आपको वीडियो के अंदर सब मालूम हो गया होगा कि क्या चीज चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो आपको सब कुछ अभी तक मालूम हो गया होगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर करने का वाला आज है हमारा ड्राइव थ्रू। पिछली जो वीडियो के अंदर हमने जो गैंग के बंदों को कुछ खत्म करा था, उनको खत्म क्या करा था, उनको जो है उस जगह पर पहुंच गए थे, वहां पे आके हमने मारा था। और आज क्या करेंगे, आज गाड़ी के अंदर कुछ चलते हुए बंदे होंगे, यानी कि जो गाड़ी के अंदर जो ड्रग्स स्मगलिंग कर रहे थे, आज उनको ख़त्म करना है। और ख़त्म करने का हमको मिशन मिला है और आज काफ़ी कुछ हम देखने वाले हैं इसके अंदर, किस तरीके से ख़त्म करेंगे, क्या तबाही मचाने वाले हैं, तो सब कुछ देखेंगे आज किसी वीडियो के अंदर। तो कहीं जाइएगा मत। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल GTA को सब्सक्राइब नहीं करा, सबसे पहले सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर देना। और देखेंगे अभी इसी वीडियो के अंदर, चले जल्दी से चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, लेट्स गो। तो यहाँ पर मैं आ गया अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, स्टार्ट गेम करता हूँ। स्टार्ट गेम करने के बाद मैं आ जाऊँगा लोड गेम पे। लोड गेम का क्लीनिंग द हुड, जो मैंने अपना लास्ट टाइम अपने मिशन को सेव करा था, यहाँ से मैंने स्टार्ट कर लिया। और देखते हैं क्या होने वाला हमारे जो आने वाली अभी वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर जो मैं आ चुका हूँ, थोड़े से बालों को सेट कर लूँ, पंखा ज़्यादा चल रहा है ना, तो पंखे की वजह से बाल थोड़े से ख़राब है। तो बालों को मैं देखना, गेम को देखना आप सीख ना, और देखना ये है कि किस तरीके से हम मिशन करते हैं, क्या करने वाला है आज के इस मिशन में। जो हम अपने जो है जॉनसन हाउस से बाहर आ चुके हैं और अपने मिशन को करते हैं स्टार्ट। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ड्राइव थ्रू आज का मेरा मिशन होने वाला। और एक इनकी गेंग है, और पिछली वीडियो के अंदर आपने मतलब पिछली होने वाली है, तो इसके अंदर आज हमने एक घर भी दिखाने वाला हूँ। वो घर कौन सा होने वाला है, ये मोटा आपको नज़र आ रहा होगा, मोटे का एक घर है, तो मोटे का घर भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो जल्दी से चलते हैं ड्राइव थ्रू मिशन के ऊपर और देखते हैं कि क्या होता है। तो मोटे का जो है आपको बीच के नज़र आ रहा है, इसका मोटे का घर भी दिखाने जाना है मेरे को। तो घर तो आपने देख भी लिया होगा, इसका शायद घर भी आपने देखा हुआ होगा, वहाँ पे आके उतरता है। और हमने किस तरीके से अपने मिशनों को पास करा अभी तक, वो काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक GTA San Andreas गेम को डाउनलोड नहीं करा, जल्दी डाउनलोड करो, जल्दी बैठता हूँ अपने कार के अंदर। तो गेट इन द कार इसने बोल दिया, और जल्दी से कार में बैठ के मैं निकलता हूँ। ड्राइव टू द क्लोकिन बेल, ड्राइव थ्रू मतलब करना पड़ेगा। और रेडियो के बटन को तो मैंने प्रेस करके बंद करा, बेसिक रेडियो को मैंने, और रेडियो का साउंड मेरा बंद ही करा, सिर्फ गेम की आवाज़ ही मैंने ऑन करके रखी हुई है। तो यार बड़ी खतरनाक कार दी हुई इन्होंने, हल्का सा ही मोड़ दो इसको, ज़्यादा मुड़ जाती है भैया। तो जल्दी से जाऊँगा मैं अपने येलो पॉइंट के ऊपर, आपको येलो पॉइंट नज़र आ रहा होगा। हमारा रेड पॉइंट तो आ गया है, यहाँ पर रेड पॉइंट पे जाके देखते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा अभी। तो जो गेम के बंदों को ख़त्म करना है, और काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय मिलता है मतलब इस तरीके के मिशनों के अंदर, कि हमारी कार जो है जो गेम के बंदे होंगे उनके पीछे लगानी पड़ेगी और काफ़ी तबाही होगी। हमारे जो तीन बंदे जो अलग से थे, वो कार के अंदर बैठ के दूसरे बंदों को गोली मारेंगे और काफ़ी ज़्यादा तबाही मचने वाली है गेम के अंदर। तो देखते हैं कि क्या तबाही होगी क्या नहीं होगा, सब कुछ देखेंगे, टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। तो जल्दी से अभी ये जो डीलिंग वगैरह कर रहे हैं कि कौन मारेगा कौन नहीं मारेगा, गन्स वगैरह लोड कर रहे हैं, तो जब तक कि कोई गैंग के बंदे आ रहे हैं तो उनका इंतज़ार कर रहे हैं। और काफ़ी इनके अभी डील चल रही है, एक तो सिगरेट जो है पीने के अंदर लगा हुआ, तो सिगरेट देखते हैं पिया लेता तो ये गन लोड वगैरह करता है। तो जल्दी से हम अपनी वीडियो को मतलब ये वीडियो चल रही है इसको स्किप करता हूँ, जल्दी से गैंग के बंदों के पीछे लगाता हूँ कार को। तो यहाँ से जो है चेस डाउन द गैंग कार बिफोर द यूअर, तो यहाँ से अब जो है इनको टपकाना है, टपकाते हैं इनको, टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो इस साइड से इनके पीछे लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ के बंदे जो है ना इनको लगे पड़े इनके पीछे। तो काफ़ी आगे निकल चुका है हम, काफ़ी पीछे हो गए हम, और ध्यान रहे कि पुलिस पीछे ना लगे, पुलिस पीछे लग जाएगी तो बड़ा मसला हो सकता है। इन लोगों की कार के अंदर धुआं निकाल के इनकी गाड़ी जो फाड़नी पड़ेगी तो फाड़ेंगे, गाड़ी को भी टेंशन वाली बात ही नहीं। इनकी गाड़ी को मैंने यहीं पर ही फंसा दिया काफ़ी खतरनाक तरीके से। इनकी कार को निकलने का मौका नहीं दिया, और पुलिस भी आ चुकी है, ये पुलिस पीछे ना लग गया मसला हो जाएगा। तो यार पुलिस किस काम की है, पुलिस ही पीछे नहीं लग रही है, बंदों को पकड़ ही नहीं, देख रहे हैं फायरिंग वगैरह हड़ हो रही है, हर चीज़ काफ़ी मसाइल ख़राब हो रहा है। पुलिस आराम से जाने के अंदर लगी हुई है, किसी ने गेम के अंदर जो है ना काफ़ी लंबी बाउली दी है इन्होंने,
इनकी गाड़ी के अंदर तो आग लग चुकी है, इनके बंदों के अंदर आग लगानी है हमें। तो इनका एक बंदा तो मर चुका है, दूसरे बंदे को ही मारना, थोड़ा बेच जाना पड़ेगा मेरे को। इसको भी टपकाते हैं, टपक जाएगा ये। इसको तो जो मैंने तबाह कर दिया, और अभी थोड़ा इनको भी जो इसको दो बंदे रहेगा इनको भी तबाह करना पड़ेगा, और ये वैसे ही गाड़ी की स्पीड से तबाह होगा, गाड़ी फटने की वैसे भी। तो अब मैं जल्दी से जाता हूँ गो बैक टू स्वीट हाउस। तो स्वीट हाउस में मैं जाऊँगा और देखेंगे स्वीट हाउस में मेरा करना है क्या है, तो वहाँ पर जाके मेरा मिशन क्या पास होता है या नहीं होता। और भाई गाड़ी कहाँ जा रही है, गाड़ी बड़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से टर्न हो रही है, ये काफ़ी घटिया गाड़ी इन्होंने दे दी है मेरे को। तो मैं जल्दी जाता हूँ अपने स्वीट हाउस पर, और ये स्वीट हाउस के जो बैक साइड में मैं आ चुका हूँ, और बैक साइड से मैं जाऊँगा और देखूँगा कि मेरा मिशन क्या पास हुआ या नहीं हुआ। भाई इधर इधर भाई इधर इधर हाँ, तो जल्दी से ये मेरा आ गया रेड पॉइंट, ये मेरा रेड यहाँ पे पॉइंट आ गया। और ये बंदे को जो है ना मैंने ऐसे कुचला जैसे पता नहीं कोई मक्खी को कुचल देते हैं। तो इसी तरीके से मैंने जल्दी से इसको ड्राइव स्मोक टू हिज हाउस, मैंने जल्दी से स्किप करा और मैं निकलता हूँ अपने स्मोक हाउस के ऊपर। और मैं स्मोक हाउस पे एक मोटे को जो है इसके घर पे मैं लेके जा रहा हूँ। तो आपको जल्दी से मोटे का घर दिखाता हूँ कि घर कौन सा मोटे का, और मोटा तो आप पहचान ही होंगे किस मोटे की बात कर रहा हूँ मैं। मोटा वही है चश्मे वाला जो हमको मिशन दे रहा था। तो मैं स्मोक हाउस उसी का घर है, तो उसी के घर पर मैं उसको ड्रॉप करने जा रहा हूँ। और उसका घर ही करीब ही अंदर आपको रेड कलर का नज़र आ रहा होगा, रेड। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ जल्दी से, और यहीं पर ही कार को पार्क करूँगा। भाई इधर हाँ थोड़ा पीछे हो जाए बस, हाँ यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने कार को कर दिया पार्क, और अब देखते हैं मेरा मिशन पास होता है या नहीं होता। तो ये मेरा मिशन पास हो चुका है, और $200 मेरे को यहाँ से मिल चुके हैं, और काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट इन्होंने मेरे को दिए। और जल्दी से जाऊँगा मैं अपने गेम को सेव करने की तरफ, और अपने हाउस पे जाऊँगा। और मेरा हाउस कौन सा है, कार्ल जोसन का जो है हाउस था, यानी कार्ल जोसन एक मेरा प्लेयर्स का नाम है, और जॉनसन हाउस जो है उसका खुद का घर का नाम है। तो जॉनसन हाउस में जल्दी से जाऊँगा अपने गेम को सेव करने।